तवा विधायक रहा है और नाती प्रमुख रहा है और पतुआ जौन यहाँ वो प्रधान रहा है। सपोर्ट तो हम तो सपा का करते हैं, उसी को करेंगे जो है। हमारे चाचा कह रहे हैं अरे ठीक सपा पार्टी, वो हमने कोई विरोध भी नहीं किया, विरोध नहीं किया। और उन्होंने हमारा विरोध नहीं किया, विपक्षी विधायक थे इसलिए कम हुआ, सत्ता पक्ष में हो रहे थे। इसके पहले विधायक थे अवधेश प्रसाद, उन्हों के बातें वो बड़े गांव लोहिया बनवा दिए, सड़क बनवाए हैं। अच्छा, तो सड़क बनवा दिए, लोहिया बनवा दिए, फिर भी आप अब बीजेपी को चाह रहे हैं? हाँ, जब विधायकी में बीजेपी चाहब ना, सांसद। नमस्कार, आप देख रहे हैं A4 आवाज़। आज हम खड़े हैं फैजाबाद के मिल्कीपुर के पास खड़े हैं। मिल्कीपुर में उपचुनाव भी होने वाला है, अवधेश प्रसाद के लड़का टिकट भी मिल चुका है सपा पार्टी से। अभी बीजेपी से किसी का टिकट नहीं कन्फर्म हुआ है। कोई गोरखनाथ बाबा को बता रहा है, कोई किसी को और बता रहा है, कोई किसी को और बता रहा है, लेकिन अभी बीजेपी की तरफ से कोई सीट कन्फर्म नहीं हुआ है मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर। अयोध्या में सांसद बन चुके हैं अवधेश प्रसाद, लेकिन सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा अपने लड़का को क्यों ना खड़ा कर दे, क्या हमारा लड़का भी उपचुनाव यहाँ का जीत जाए मिल्कीपुर में। आइए, जनता क्या राय देती है, जनता क्या जवाब देती है, यहाँ के विकास के बारे में किसकी उम्मीद जताई जा रही है। चाचा भैया, क्या कहेंगे यहाँ पर चुनाव को लेकर, उपचुनाव होने वाला है? भैया, चार वोट बटे हमेशा बीजेपी जीत है। अच्छा भैया, तो हमारे चाचा कह रहे हैं अरे ठीक सपा पार्टी, हमने कोई विरोध भी नहीं किया, विरोध नहीं किया। उन्होंने हमारा विरोध नहीं किया। आपने कुछ सोच समझ कर कह रहे हैं कि बीजेपी को हम देने वाले हैं। अरे अब देखो, बिजली भी अच्छी मिल रही है, मुद्दे में आदमी है, 20 घंटा सप्लाई मिल रही है, इतनी अच्छी रोड बनी है। अच्छा, करोड़ों का विकास हुआ, आजादी से अब तक नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? होना चाहिए था। रायबड़ी कांग्रेस का क्षेत्र है, अयोध्या जो है पूरे विश्व क्षेत्र में है, लेकिन इसको होना चाहिए था ना, आज तक नहीं हुआ। विश्व का क्षेत्र है तो सपा पार्टी क्यों बाजी मार रही है? अरे हो गया होगा तो कुछ कारण था ना, जनता रहा होगा कोई कारण, जनता नहीं ना कारण है, छोट वर्ग ज्यादा है। क्या हुआ? छोट वर्ग ज्यादा है, इस हिसाब का जीत लिया और क्या हुआ? अच्छा, छोट वर्ग वहाँ पे ज्यादा है और कहा किया। अच्छा, तो यहाँ पर जो विकास के मामले में क्या कहेंगे? इसके विकास का जो पैरामीटर है, जो ग्रामीण सड़कें हैं, जो और तमाम वो है, जो सुशासन है, जिस तरह से चौराहों पे इधर उधर तमाम छीनेती पिनेती है, वो ताम झाम लगा रहता, तो सब कुछ है नहीं जी। हम लोग कहीं भी, आप रूलर में चले जाइए, गाँव में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, किसी भी हालत में रहिए, चाहे इतना कैश रहे, कोई आपको टच करने वाला नहीं। गाँव ग्राम के लोग कह रहे हैं कि सड़क के विकास के बारे में कुछ पता नहीं है, क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। इसके पहले अवधेश प्रसाद सांसद थे, अरे सॉरी विधायक थे, तो बहुत सड़कें कुछ खराब, क्या कहेंगे? सड़कों के मामले में इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है बाबा का। अच्छा, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, बहुत अच्छा काम हुआ है। सड़कों के मामले में बहुत अच्छा काम हुआ। बिजली तो फिलहाल हम लोग यहाँ 20 घंटे मिल रही है, बिजली 20 घंटे 18 से 20 घंटे बिजली मिली है। आंधी तूफान आ जाए, एक आध दिन के लिए चली जाए, अलग वो बात दूसर है। तो यहाँ पर जो पहले अवधेश प्रसाद विधायक थे, क्या किए हैं क्या नहीं किए हैं, ये हम देखिए। जब वो थे तो उन्होंने अपने टाइम में अपना काम किया, अच्छा काम किया कि सही किया कि डेवलपमेंट का काम किया उन्होंने, लेकिन जैसे सत्ता पक्ष से नहीं थे। अच्छा, तो उतना प्रभाव नहीं पड़ा। अच्छा, सत्ता पक्ष के होते तो और जबरदस्त प्रभाव पड़ता। बात सही, विपक्षी विधायक थे। अच्छा, इसलिए कम हुआ। अच्छा, सत्ता पक्ष में होते तो और तेज होता। तो बीजेपी को क्या सोच कर दे रहे हैं, विकास ज्यादा हुआ है? डेवलपमेंट के लिए दे रहे हैं, डेवलपमेंट के लिए, डेवलपमेंट। और सबसे बड़ी बात है सुरक्षा, सुरक्षा बहुत बड़ी बात है, सुरक्षा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। चाचा, आपका नाम क्या है? विष्णु जायसवाल। जायसवाल जी ने कहा कि बीजेपी सही है, क्या कहेंगे, किसको सपोर्ट दे रहे हैं? भाजपा का। भाजपा का कोई यहाँ पर मिल्कीपुर में कोई काम बताइए जो बड़ा काम किए, ऑनली मिल्कीपुर की बात कर रहे हैं। अरे बहुत काम किए हैं, इसके पहले विधायक थे अवधेश प्रसाद, उन्हों के बातें, वो बड़े गांव लोहिया बनवा दिए, सड़क बनवाए हैं। अच्छा, तो जब सड़क बनवा दिए, लोहिया बनवा दिए, फिर भी आप अब बीजेपी को चाह रहे हैं? हाँ, जब विधायकी में बीजेपी चाहब ना, सांसदी में दे रहे हैं, सांसदी ने दिए थे अवधेश प्रसाद को, और विधायकी में दोगे बीजेपी को? बीजेपी का। अच्छा, तो किसको आप, अभी तो सीट कन्फर्म नहीं हुआ है बीजेपी से, तो किसको उम्मीद आप चाहेंगे? हम भाजपा के देवे, जब खड़ा हुई है गोरखनाथ को ना देवे, गोरखनाथ को ना दो ना, तो वही तो खड़ा होंगे अगर सीट पर खड़ा हुई है तो आपका अध्यक्ष कर देगा, मतलब गोरखनाथ अगर खड़े हो जाएंगे तो सीट उनको वोट नहीं दोगे, है ना? पूरा ठाकुरैया ना दे उनका, अगर गोरखनाथ बाबा खड़े हो जाएंगे तो पूरे ठाकुर दे देंगे, नहीं देंगे। अच्छा, तो किसको देंगे? भाजपा के दिए, उनका दिए हैं, काका सपा का, सपा को। ये बात, तो गोरखनाथ बाबा में क्या कमी है? बहुत कमी, बहुत कुछ, क्या करे, खोले क्या करे बतावे। अच्छा,
अरे कुछ तो कमियाँ होगी तो बताओ ना। अरे वो कमी क्या बताओ, क्या उनके शासन में कुछ हुआ नहीं, करार नहीं पाए, कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया। चलिए कुछ नहीं किया है। चाचा जी कुछ दो शब्द, आइए चाचा जी हमारे हैं, बैठिए दो मिनट, आपसे दो मिनट बात हो जाए। क्या कहेंगे चुनाव को लेकर, उपचुनाव को लेकर? इसमें हमें क्या कहना है, सरकार कहना जो कहना है। अरे तो आप एक रिसीवर हैं, अरे भाई आप बोलने का अधिकार है, वोट देने का अधिकार है, तो आप बोलना चाहिए कि हमारे यहाँ विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। नहीं विकास हुआ ही है। हुआ है तो किसको आप दे रहे हैं वोट, किसको चाह रहे हैं? अब ये तो अपनी बात अलग है ना। हाँ, ये हम नहीं बताएंगे, ये नहीं बताएंगे। चलिए ठीक है। तो यहाँ पर उसके पहले विधायक थे अजस प्रसाद, उनका कार्यकाल कैसे रहा? ठीक है, ठीक रहा। बीजेपी ठीक रहा है, ऐसे कोई कार्यकाल किसी गड़बड़ नहीं रहा है। अच्छा, और वोट अपना अपना है, वोट अपना। हाँ चलिए, वोट अपना है। बाबा चला जी हैं, मुसलमान हावी हो जी हैं, सब पता लगे सबका। अच्छा हाँ, बाबा चला जी हैं तो मुसलमान सब हावी हो जी हैं, हिंदुओं को देखकर कौन दशा हुई। बाबा चले जाएंगे तो बहुत आराम है, बहुत ठीक बात है। बाबा के रहक से हिंदू का बहुत सेफ्टिक है, बहुत सेफ्टिक भाई। हाँ अच्छा, वो चले जाएंगे तो सेफ्टिक खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। हाँ हिंदुओं का। हाँ ये है तो यहाँ के बारे में बताइए, यहाँ का क्या मामला है? यहाँ मामला सब सही है। और अवधेश प्रसाद का लड़का टिकट मिल गया, ठीक है भाई। और किसकी उम्मीद जताए जा रही है बीजेपी से? अरे जब मिशन अपने लड़का का मंत्री बनवा सकत तो अवधेशो अपने लड़का का मंत्री विधायक बनवा सकत है, बात हो रहा है। तो ये सोच के उनको खड़ा कर दिया और कहा। अच्छा तो अरे बाप सांसद रहा है, बेटवा विधायक रहा है, और नाती प्रमुख रहा है, अब पतुआ जौनी है वो प्रधान रहा है, मतलब सब जितना ऊपर नीचवा तक है अपने बिरादरी में जितने भी लोग हैं। हाँ, कुछ ना कुछ रहे रहा है, एक घर में एक घर अंतर नहीं। अच्छा तो क्या कहेंगे बीजेपी से, बीजेपी ने किसको खड़े करे? गोरा काम बाबा को कह रहा है, मन का है उसका खड़ा करें अगर भाई। तो कौन जिस किसका पल्ला भारी है इस हिसाब से देखा जाए? पल्ला तो दोनों जने बराबर रहा है। अच्छा हाँ बराबर है। हाँ भाई अवधेश प्रसाद इसके पहले यहाँ पर थे और का जीता विधायक कहाँ है? जीता विधायक। हाँ क्या किए हैं यहाँ पर? काम करिए हैं जो मैंने नहीं कह लिया था, विधायक हो जा तो अपने घरे करिया करिया गाड़ी काला शीशा बंद करके धान वहाँ कह के निकले, बस उतने मतलब है। अच्छा, और जब इलेक्शन आता है तो यहाँ पर घर चेक ले रहे हैं, ठीक है भाई। क्या लगता है किसकी उम्मीद बढ़ाई? लगता है इसमें जो है कि जैसे लोकसभा में सफाई लोग जो है यहाँ से अच्छे वोट निकले हैं। अच्छा। तो ये विधानसभा में भी निकलेंगे। अच्छा, यहाँ का सबसे पहले यहाँ पर विधायक रह चुके हैं अजय प्रसाद, रह चुके हैं, विधायक भी रह चुके हैं, मंत्री भी कई बार रह चुके हैं। तो यहाँ पर विकास के बारे में क्या बताइएगा? विकास तो बहुत खास नहीं हुआ है जी, लेकिन यहाँ की जनता जो है विकास ही चाहती है। विकास चाहती है? हाँ विकास चाहती है। तो आप किसको मतलब कि सपोर्ट कर बता सकते हैं, सपोर्ट किसको कर रहे हैं? सपोर्ट तो हम तो सपा का करते हैं, उसी को करेंगे जो है। अच्छा, मतलब कि अवधेश प्रसाद का काम अच्छा है? बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन फिर भी चलो ठीक है, पार्टी लेवल पर ठीक ही है जी। हाँ तो और अगर बात करते हैं बीजेपी से, किसको टिकट मिलेगा? बीजेपी में तो उनको हो सकता है मिल जाए भाई बाबा गोरखनाथ को। बाबा गोरखनाथ? हाँ वो भी अपनी जगह ठीक है। क्या जो टक्कर रहेगा बराबर रहेगा? बराबर तो नहीं रहेगा, मतलब कि आप सपा पार्टी से हैं तो आप सपा पार्टी को जिता रहे हैं तो बराबर हो नहीं सकता, जाहिर सी बात है ना। देख सकते हैं यहाँ पर उपचुनाव को लेकर काफ़ी घमासान चढ़ गया है, अभी टिकट नहीं कंफर्म हुआ है। और ये समय हम मिल्कीपुर के पास खड़े हैं। आज अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर शेयर करें, फॉलो करें। जय हिंद।